हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज किचन रेसिपी में। मैं आपका दोस्त फ्रेंड राज, और आज हम बनाने वाले हैं बूंदी की चटपटी मसालेदार सब्जी। और आपने ये सब्जी बना ली तो जब आपको कभी कोई सब्जी पसंद ना आए, समझ में ना आए, तो आप इसको बनाएं और बहुत ही इसको इंजॉय करें। और मैं तड़का देने वाला हूँ राज किचन रेसिपी का। तो बूंदी की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप मिर्च वाली बूंदी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप ये वाली कर सकते हैं। लेकिन मैं दोनों का यूज़ करने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। यहाँ पर मैंने ये 50 ग्राम कम मिर्च वाली यानी बिना मिर्च वाली बूंदी ली है। इसको अभी रखते हैं साइड में, इसको मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगा। बनाना शुरू करते हैं चटपटी मसालेदार बूंदी की सब्जी। चढ़ा दिए कढ़ाई सुंदर और सुशील वाली। यहाँ डालेंगे हम करीब 2 टेबल स्पून तेल। यहाँ अगर आप बटर का यूज़ करेंगे तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी, लेकिन मेरे पास आज बटर अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, लॉकडाउन में दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। तेल गर्म होने के साथ ही डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा। जीरे को हल्का सा क्रिकल होने देंगे। साथ ही डालेंगे कसूरी मेथी थोड़ी सी, और आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डालने का फ्लेवर अलग ही आएगा। साथ में डाल दें थोड़े से कड़ी लीव्स। यहाँ डालेंगे हम करी 2 प्याज बड़े साइज की बारीक कटी हुई। और जीरे को आपको जलाना नहीं है, और प्याज को हम अच्छी से करीब 80 से 70% गोल्डन ब्राउन करेंगे। पहले उससे पहले हम इसमें डाल देते हैं करीब 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन कुटा हुआ। ये थोड़ा मोटा ले रहा हूँ मैं, आप पेस्ट भी यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन इसका जो फ्लेवर आता है वो एक नंबर आता है। और यहाँ पर मैंने करीब 12 कलियाँ ली थी लहसुन की, और 1 इंच लिया था अदरक। थोड़ा सा मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर प्याज को हमने करीब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया। हमें इसे जलाना नहीं है, और मेरी जो गैस थी लंबी वाली वो क्या ख़राब हो गई है, तो इसलिए मेरे को ये निकाल कर इस पर रेसिपी बनानी पड़ रही है। और अब यहाँ पर डालते हैं हम करीब 2 काफ़ी बड़े साइज के टमाटर की प्यूरी। साथ में ऐड करेंगे हम इसमें नमक 1/2 टीस्पून, और मिला लेते हैं। और नमक आपको यहाँ बहुत ही सोच समझ के डालना पड़ेगा, क्योंकि बूंदी में भी नमक होता है और मिर्च भी होती है। डालते हैं हम इसमें मसाले, गैस कर दी हमने लो फ्लेम पर, और इसमें कश्मीरी रेड चिली डालते हैं हम 1/2 टेबल स्पून। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला लिटिल बिट। हल्दी 3 से 4 चुटकी ही डालेंगे। साथ में डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर डालेंगे हम करीब इसमें 1 टेबल स्पून, और इसको एक बार मिला लेते हैं। अब मसाले डालने के बाद हमने इसे पका लिया है, और देखिए हल्का हल्का तेल सेपरेट होने लगा है। थोड़ा सा तेल को और सेपरेट करेंगे, और इसे जलाना नहीं है, हमें इसे चलाना है। तो इसे चलाते रहेंगे तेल सेपरेट होने तक। तो यहाँ पे देखिए तेल सेपरेट हो गया है, ऊपर तेल आ गया है। इसको चलाते चलाते थोड़ा सा छोड़ देंगे, थोड़ा सा चलाएंगे, और लगना नहीं चाहिए मसाला। तो यहाँ पर जो हमारे घर में नॉर्मली स्टील का गिलास होता है, 1 गिलास पानी डाल देते हैं इसमें, और इसको उस बार मिला लेते हैं। और अब इसको हम ढककर रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। ढककर रख देंगे, बबल आने के बाद इसे हटा लेंगे। ये पूरे 3 मिनट ढक्कन हटा लेते हैं। ये देखिए अच्छे से बबल भी आ गए हैं, तेल भी ऊपर आ गया है, और इसे मिला लेते हैं। अब यहाँ पानी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ी ग्रेवी वाली बना रहा सॉरी तो यहाँ पर आप पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बूंदी पानी को सोख करती है। तो मैं थोड़ी सी गाढ़ी वाली बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे बूंदी बिना मिर्च वाली, और इसको एक बार मिला लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसको ढककर रख देंगे 30 सेकंड के लिए। चूँकि 30 सेकंड ढक्कन हटा लेते हैं। और ये देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं ग्रेवी वाली गाढ़ी ग्रेवी बना रहा हूँ। आप इसमें पानी और डाल सकते हैं, और इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस बारीक कटा वाला धनिया ऐड करते हैं, वरना ये बूंदी पूरी इसमें घुल जाएगी। मिला लेते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, ये हमारी बूंदी की
चटपटी मसालेदार सब्जी बनकर तैयार है। काफ़ी मसाले मैंने इसमें डाले ही नहीं है, बहुत कम मसाले में बन जाती है। और फटाफट जब आपको कोई सब्जी पसंद नहीं आए तो ये बना लीजिए। आप पानी वाली भी बना सकते हैं, थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स दोस्तों, रेसिपी से तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए लास्ट फोटो दिखाते हैं इसकी आपको सर्व करके।